वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप। मैं हूं आपका होस्ट संदीप ढब्बाल और दोस्तों आज का मेरा वीडियो जो है वो इंजन के कोटिंग के ऊपर है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आज का मेरा वीडियो किसी अनबॉक्सिंग को लेके नहीं है। मेरा आज का वीडियो है रॉयल एनफील्ड का जो इंजन होता है उसके ऊपर अगर ब्लैक कोटिंग ऑलरेडी हो रखी हो और वो कोटिंग खराब हो गई हो किसी भी कारण से, तो उसको कैसे रीस्टोर किया जा सकता है, मेरा वीडियो उसी के ऊपर है। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको कोई क्वेरी या कोई आपके सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा उनके ऊपर अमल करने। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन के कलर की बहुत ही बुरी हालत है, जगह जगह इसको स्पॉट्स पड़े हुए हैं। हो सकता है किसी ने इसको पहले भी पेंट करवाया हो। आज हम इसको थोड़ा सा रब करके इसके ऊपर कोटिंग करेंगे पेंट की, और मैं इसको दूंगा मैट फिनिश। तो वीडियो यहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि पेंट करने के बाद में ये कैसा दिखता है। पेंट की कंडीशन दूसरी साइड से भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही बुरी हालत में ये मोटरसाइकिल जो है हमारे पास डिटेलिंग के लिए आया है, और आज मैं इसकी इंजन की कोटिंग कर रहा हूँ। मार्केट में पूछा तो 2000 रुपीज़ मेरे को मिनिमम बताया गया बगैर इंजन को खोला हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना खुद ही किया जाए और करके दिखाएं लोगों को भी, सो दैट दे कैन ऑल्सो पेंट देयर ओन बाइक्स इंजन्स। तो आज हम इसको देंगे मैट फिनिश। तो पहले हम ये सब पार्ट्स खोल लेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं किक वगैरह, और ये खोलने के बाद में या इनको मास्किंग कर लेंगे टेप से, मास्किंग टेप आती है 20 रुपये की, उससे मास्क कर लेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। Thank you.
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी मैंने अपने बाइक के इंजन को जो है वो वॉश किया है। वॉश करने के लिए पेंट में जो ऑयल डाला जाता है मिक्स करने के लिए, उसको पतला करने के लिए, मैंने उसका यूज़ किया। इसे हम थिनर बोलते हैं यहाँ पे। तो थिनर से मैंने ब्रश की और क्लॉथ की मदद से बिल्कुल साफ कर दिया एकदम से इंजन को। कहीं पे भी डस्ट का कोई नामो निशान नहीं है। इस साइड देख सकते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बार इसकी पूरी कंडीशन दिखा देता हूँ और उसके बाद में हम इसको करेंगे साफ, वैसे ही जैसे हमने दूसरी साइड से इंजन को साफ किया था। और उसके बाद में मैं आपको इसको पेंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है सारे पार्ट्स जो है वो खोल लेंगे, सो जिनके ऊपर पेंट लगने का कोई खतरा हो। जहाँ जहाँ से ये पेंट्स की पपड़ियाँ बनी हुई हैं उनको हम रगड़ के बिल्कुल सरफेस को स्मूथ कर लेंगे। ये मैंने रेग मार्क का यूज़ किया है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको इंजन को थोड़ा सा रेग मार्क से स्मूथ कर दिया, इसका सरफेस जहाँ जहाँ से पेंट उतर रहा था। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने स्मूथ किया है। और अब मैं इसको पेंट के लिए रेडी करूँगा, तो आप देखते रहिए। आप देख सकते हैं अभी मैंने सिंगल कोटिंग मारी, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं।
दोस्तों लुक देख सकते हैं इसका, कुछ ऐसा लुक आता है। ये देखिए सिर्फ एक कैन चाहिए आपको ये पूरी कोटिंग करने के लिए। मैंने दो कोटिंग्स जो हैं एक ही कैन से की हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक से ज्यादा कोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो लुक्स
हमारी बाइक की निकल के हमारे सामने आई है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिया है इसको मैट फिनिश और ये वाकई ही बहुत ही शानदार पेंट जो है वो हुआ है। इसमें मैंने मैट फिनिश वाला स्प्रे पेंट यूज़ किया है और एक कैन से बात बन जाती है, लेकिन अगर दो कैन यूज़ कर ले तो उसकी लुक्स जो है और भी ज़्यादा निखर के आती है, कहीं पे कोई कमी नहीं रहती। तो आप एक की बजाय दो कैंस जो हैं वो यूज़ कर लें। दो कैंस यूज़ करने से आपकी जो क्वालिटी है पेंट की वो बहुत ज़बरदस्त आएगी और कोई भी पार्ट जो है वो उससे मैट फिनिशिंग जो है वो पूरी प्रॉपर होने की वजह से बुरी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने तीन कोटिंग की हैं, दो कोटिंग तो एक ही पेंट से हो जाती है, एक ही कैन से हो जाती है, लेकिन अगर आपको दो कोटिंग के बाद में एक या दो कोटिंग और करनी है तो उसके लिए आपको एक कैन की और ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो आई है। तो मैंने यहाँ पे जो पेंट करने के लिए इस किक को जो है यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से नट ओपन करके मैंने इसको निकाल लिया किक को और ये पार्ट को निकाल लिया सो दैट मैं अच्छे से पेंट कर सकूं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है और इंजन खुलवाने की ज़रूरत नहीं है और आप पेंट की क्वालिटी देख सकते हैं, मार्वलस। इसी पेंट के साथ में हमने यहाँ पे मैट फिनिश देने की कोशिश करी है साइलेंसर के बैक पार्ट को। ये जो बैक पार्ट यहाँ पे जो लास्ट में एक छोटा सा पार्ट लगा है इसको हमने ब्लैक फिनिश जो है मैट फिनिश दी है, इसमें काफ़ी जंग लगा हुआ था तो हमने उसको भी साफ करके इसके ऊपर कोटिंग कर दी। तो अब आप इसकी भी लुक्स देख सकते हैं। ये दूसरी तरफ से मैं आपको पेंट की क्वालिटी दिखा रहा हूँ इंजन के दूसरी साइड से, जहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंजन के कलर में प्रॉब्लम दिख रही थी वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पेंट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार निकल के आई है। यहाँ पे भी मैंने तीन कोटिंग्स की हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा क्योंकि आज मैंने बहुत मेहनत किया आप लोगों के। बाइक को घर पे ही रेडी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर आप चाहते हैं कि आप खुद करें, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स में अक्सर मैंने देखा है बाहर की कंट्रीज में स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में लोग ये काम खुद करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद करूं, बिकॉज वी इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग और हमें काम करना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पैसे तो डेफिनेटली बचाए लेकिन साथ में मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली है वो वाकई लाजवाब। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया एक सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें सो दैट मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों ये बाइक हमारे पास में आई थी डिटेलिंग के लिए, तो इसका हम आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमने इस बाइक को रिस्टोर किया इन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो अगले वीडियो में मैं किसी और नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने होस्ट संदीप डढ़वाल को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।
subscribe our YouTube channel Sense of Smart Shop. For all the new videos, click on the bell icon so you get all the notifications.